अब बहुभुज के अंतर्गत हम समझेंगे सम बहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है। तो हमने देखा बहुभुज के प्रकार पढ़े थे, तीन भुजाओं का बहुभुज त्रिभुज कहलाता है, चार भुजाओं का बहुभुज चतुर्भुज कहलाता है, पांच भुजाओं का बहुभुज पंचभुज। तो यहां पे सम बहुभुज क्या होता है, विषम बहुभुज क्या होता है, ये हम देखेंगे। तो सम का अर्थ होता है बराबर, सम का अर्थ होता है बराबर। तो यहां पे हम देखेंगे, यहां सीधा सीधा अर्थ है, यदि किसी बहुभुज के, पहले हम देखते हैं सम बहुभुज, यदि बहुभुज कि सभी भुजाएं बराबर हों तो वह सम बहुभुज कहलाता है, और यदि सभी भुजाएं बराबर ना हों यदि सभी भुजाएं बराबर ना हों तो वो विषम बहुभुज कहलाता है। जैसे देखिए, सबसे कम भुजाओं का बहुभुज कितने भुजाओं का होता है, तीन का त्रिभुज। अब ये तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये क्या है, सम बहुभुज है, और इसका नाम क्या है, तीन भुजाओं वाला सम बहुभुज है, और इसको क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु समबाहु त्रिभुज। अब चार भुजाओं का समबाहुभुज क्या कहलाता है, ये देखिए, सभी भुजाएं इसकी चार बहु एन बराबर चार, यदि चार भुजाएं हैं और सभी बराबर हैं तो ये बहुभुज क्या कहलाएगा, वर्ग, क्या कहलाएगा, वर्ग। यदि मान लो एन बराबर भुजाएं पांच हैं और सभी भुजाएं कैसी हैं, बराबर हैं, तो ये क्या कहलाएगा, सम पंचभुज, सम पंच भुज। अब हम इसके आगे, पंचभुज के आगे जितनी भी भुजाएं हैं उसके संख्या के आगे हम सम शब्द लगा देते हैं तो वो सम बहुभुज कहलाने लगता है। जैसे मान लो आठ भुजाएं हैं, एन बराबर आठ भुजाएं, तो आठों भुजाएं यदि बराबर हैं तो वो कहलाएगा सम अष्टभुज। सम शब्द जुड़ जाता है, जैसे सात भुजाएं हैं तो सम सप्तभुज, नौ भुजाएं हैं तो सम नवभुज, इस तरीके से। और यदि मान लो एक भी भुजा बराबर नहीं है अन्य भुजाओं से तो वो विषमबाहु बहुभुज, विषम बहुभुज कहलाता है। तो ये बहुत सिंपल है, सम बहुभुज एवं विषम बहुभुज। सम बहुभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विषम बहुभुज में बराबर नहीं होती हैं।